बांसगांव थाना क्षेत्र में अवैध शराब के कारोबार में लिप्त चार अभियुक्तों को पुलिस ने मुठभेड़ में गिरफ्तार किया है, जबकि दो आरोपी मौका देखकर फरार हो गए। गिरफ्तार अभियुक्तों की पहचान बांसगांव थाना क्षेत्र रामशरण प्रजापति पुत्र नंदलाल चौरीचौरा थाना के शरण जायसवाल पुत्र शंभू शरण जायसवाल, कैंट थाना क्षेत्र के रजत अग्रहरी उर्फ कल्लन पुत्र शंभू अग्रहरी तथा हरपुर बुधर थाना क्षेत्र के देवेंद्र सिंह पुत्र राजनाथ सिंह के रूप में हुई है। इन लोगों के पास से पुलिस ने एक शराब लदी ट्रैक्टर ट्रॉली, 332 पेटी हरियाणा निर्मित अवैध अंग्रेजी शराब, एक तमंचा, एक जिंदा कारतूस, एक खोखा बरामद किया है, जबकि दो अभियुक्त धर्मेंद्र देव सिंह और रणजीत मौर्या भागने में सफल रहे। खुलासे के संबंध में गोरखपुर न्यूज़ से बात करते हुए SP क्राइम अशोक कुमार वर्मा और CO क्राइम प्रवीण कुमार सिंह ने बताया। जी हाँ बताए, अभी वहीं पर यह शराब की तस्करी पर रोकथाम के लिए विगत काफ़ी महीनों से अभियान ये अपने SSP महोदय के नेतृत्व में ये चलाया जा रहा है। उसी अभियान के तहत थाना बांसगांव क्षेत्र में चार लोगों की गिरफ्तारी हुई है और ये दो अभियुक्त ये भागने में सफल रहे हैं। 332 पेटी ये हरियाणा निर्मित, कुल 15,936 बोतल की बरामदगी हुई है और ट्रैक्टर ट्रॉली जिस पे ये लादा जा रहा था वो बरामद हुआ है, एक तमंचा, एक जिंदा कारतूस, एक जो अभियुक्त गिरफ्तार हुए हैं वो रामशरण प्रजापति हैं, थाना बांसगांव क्षेत्र के रहने वाले हैं, श्रवण जायसवाल हैं, ये मुंडेरवा बाजार थाना चौरा के रहने वाले हैं, रजत अग्रहरी उर्फ कल्लन ये कूड़ाघाट गिरधरपुर के रहने वाले हैं, कैंट क्षेत्र के, देवेंद्र सिंह सजनवा थाना हरपुर बुधर के रहने वाले हैं और जो भागे हैं एक धर्मदेव सिंह उर्फ भोली सिंह हैं, इन्हीं के मकान में ये दिन में अपना बालू सीमेंट सरिया का काम करते हैं और उसी घर में ही अपना एक गोडाउन बनाए हुए हैं जहाँ से बरामदगी हुई है, जो 332 पेटी बरामद हुई 225 इनके घर के अंदर से और 125 जब बरामदगी हुई थी तो उसमें ट्रैक्टर ट्रॉली पे था, 207 और 125, 332 पेटी बरामद हुई। एक रंजीत मौर्या करके भागे हुए हैं और ये इसमें जो देवेंद्र सिंह जो पकड़े गए हैं ये धर्मदेव सिंह और भोली सिंह के साले भी हैं, यही पूरी कार्रवाई हुई है। क्या आपराधिक इतिहास रहा है? ठीक है, शराब तस्करी में ये मतलब पूर्व में भी इसका चलान हो चुका है और ये हम लोग को जो बराबर जानकारी मिल रही है शराब माफियाओं के ऊपर जो कार्रवाई हम लोग लगातार कर रहे हैं आपके सामने, उसी क्रम में एक हिस्सा था। दो लोग मौके से फरार हुए हैं, भोली सिंह जो कि ठीक है मुख्य एक प्रकार से इस पूरे नेक्सस का या भैंसा बाजार में आप ये कह लें कि जहाँ पर शराब ठीक रखी जा रही है, जहाँ से शराब सप्लाई हो रही है बिहार के लिए, जो शराब मंगाई जा रही है हरियाणा से, उसका मेन सरगना भोली सिंह का जो मौके से फरार हुआ। बाकी चार लोग पकड़े गए हैं अलग अलग जगहों से, इनकी गिरफ्तारी का प्रयास भी अभी किया जा रहा है। दो लोग जो अभी मतलब बचे हुए हैं तो अभी इसमें और इनका नेक्सस कहाँ तक है, पूर्व में जो भी काम क्राइम ब्रांच ने किया है शराब माफियाओं को पकड़ने में उसके भी तार इनके साथ जोड़े जा रहे हैं कि कहाँ से इनका ग्रुप जुड़ा हुआ है पूरे जनपद में। कितनी लागत होगी शराब की? कुल मिला के 4 लाख का आकलन हम लोग अभी कर रहे हैं कि 4 लाख की शराब होगी यहाँ पे, कम से कम 15,000 बोतल शराब है तकरीबन ये।